तो ये जब सेल में ये डिस्टर्बेंस को महसूस करता है रुद्राक्ष, तो एक रिवर्स चार्ज देता है, झटका देता है उसको, हल्के वोल्टेज में रिवर्स चार्ज देता है, उसको ठीक कर लेता है। रुद्राक्ष काम कैसे करता है, ये का इस सवाल का जवाब मैं वीडियो में बनाया हुआ हूँ अंग्रेजी में, हिंदी में पहले, लेकिन बहुत सारे सवाल आ रहे हैं इसको बनाने के लिए, तो वीडियो का अंत तक देखिएगा। मैं हूँ इनका मान संतोष शर्मा, बैंगलोर इंडिया से, वाइट ऑटोस्फीयर इंस्टीट्यूट के संस्थापक। देखिए रुद्राक्ष काम करने का तरीका कैसा है, मैं कोई शास्त्र के बारे में बात नहीं करूँगा, मैं आपको सिंपल फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में समझा रहा हूँ। देखिए हमारे शरीर में क्या है, ये स्किन है, स्किन में क्या है, सेल्स है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स ऑल ओवर द बॉडी। सेल के अंदर में क्या है, आरएनए है, डीएनए है, प्रोटीन है ना, एमिनो एसिड्स है। एमिनो एसिड्स में इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, अब रुद्राक्ष में भी इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, जो बायो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं हम लोग, तो वो इसको इसकी बात में कर रहा हूँ। बहुत लो वोल्टेज में होता है, हमारे शरीर में भी देखेंगे तो आप, ब्रेन का वोल्टेज अलग है, हमारे जो हृदय है, हार्ट, इसका 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 वोल्टेज अलग है, सबसे ज़्यादा वोल्टेज यहाँ होता है, हार्ट में होता है, ब्रेन में नहीं होता है। फिर उसके बाद में हर एक सेल, जो आपका सेल है वो स्पंदित हो रहा है, हर एक सेल का अपना इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंट ब्रेन है, इसलिए तो यदि कोई छूता है तो आप जान जाते हैं, क्योंकि वहाँ यदि संवेदना नहीं होगी, उसका ब्रेन नहीं होगा, तो कैसे बताएगा छुआ है इसने। ब्रेन यहाँ भी है, लेकिन यहाँ भी छोटा ब्रेन है, तो हर एक सेल में अपना इंडिपेंडेंट जो प्रोसेसिंग सिस्टम है वो है, और ये कम्युनिकेट करता है ब्रेन से, तो पूरा शरीर अपने आप से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहते हैं। ये सेल्स की बात मैं कर रहा हूँ। अब जो सेल है, तो ये जो सेल, जैसे हार्ट का सेल है, ब्रेन का सेल भी है, हाथ का भी सेल है, टो में भी, पैर में भी सेल है, ये सभी सेल यदि सेम टाइप के हैं, तो जो हार्ट का सेल है हार्ट की तरह बिहेव कैसे करता है, ब्रेन का सेल ब्रेन की तरह कैसे बिहेव करता है, कानों के सेल, नाक के सेल, पैर के सेल, हाथ के सेल, ये अपने तरीके से बिहेव कैसे करते हैं, यदि सब सेम है तो। सभी सेल सेम तो है कंपोजिशन में, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज है ये अलग अलग वैल्यूज के होते हैं, और वह डिफ्रेंशिएट करता है कि भाई हार्ट का सेल हार्ट की तरह बिहेव क्यों करे, ब्रेन का सेल ब्रेन की तरह बिहेव क्यों करे, कान का सेल सुनने की तरह कैसे बिहेव करे, और देखने के लिए आँखों का सेल देखने के लिए कैसे बिहेव करे, ये वोल्टेज से ही चीज़ें होती हैं। तो ये वोल्ट की बात करता हूँ, ये है बायोलॉजिकल करंट। अब रुद्राक्ष में जो है उसमें भी करंट होता है, बायोलॉजिकल करंट होता है, जब शरीर के ऊपर धारण करते हैं आप, ये शरीर के अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है, जो आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी है, जो वोल्टेज है, उसके हिसाब से जहाँ स्थान में पहने हुए उसके हिसाब से स्पंदित होता है। अलग अलग रुद्राक्ष के अलग अलग वोल्टेज होते हैं, वो अलग अलग वोल्टेज के हिसाब से अलग अलग जगह काम करते हैं। मानिए कि 8 वक्र रुद्राक्ष केतु के लिए, उसका सेल यहाँ, यहाँ जो सेल आपके हैं यहाँ से स्पंदित होता है, जो आपका 15 वक्र रुद्राक्ष है ये यहाँ का जो हार्ट सेल है उससे उसका तालमेल बैठता है। जैसे आपका कोई 7 मुखी या 13 मुखी जो रुद्राक्ष है, वो आपके नाभि के नीचे जो जननेंद्रिया है, सेक्स ऑर्गन्स हैं, वूम्स हैं, गर्भाशय है, ये चीज़ों में उसका रिलेशनशिप होता है। तो अलग अलग जो 7 चक्र है, 7 चक्र में ये रुद्राक्ष अलग अलग वोल्टेज के हिसाब से अपने आप को ढालते हैं शरीर के साथ में। अब होता क्या है कि आपका सेल है, सेल के ऊपर में जो मेम्ब्रेन है, कोशिका के ऊपर में जो मेम्ब्रेन है, जो आवरण है, ये क्या काम करता है कि जैसे रुद्राक्ष से टच होता है, छूता रुद्राक्ष को, तो रुद्राक्ष से इसका कनेक्शन बन जाता है, इसे इलेक्ट्रिकल करंट बन जाता है। मानिए कि आपके हार्ट के सेल में कुछ गड़बड़ी है, वोल्टेज का इंस्टेबिलिटी है, तो जब वोल्टेज की इंस्टेबिलिटी पैदा हो जाती है तो शरीर में हार्ट अटैक हो जाना है ना, हृदयघात जैसे कहते हैं, या और भी समस्या पैदा हो जाती है। अब ये भी जानते हैं कि आपका जो दाहिना ब्रेन है ये लेफ्ट साइड बॉडी को कंट्रोल करता है, दाहिने ब्रेन में यदि कोई इलेक्ट्रिकल पल्सेस का दिक्कतें आ जाएंगी तो लेफ्ट साइड आपका पूरा पैरालाइज हो जाता है, या कुछ अंग काम करना बंद कर देता है, ये भी जानते हैं, सब करंट का खेल है। तो ये जो करंट का डिस्टर्बेंस हो जाता है हार्ट के सेल में, हार्ट की बात हम कर रहे थे, तो जब 15 वक्र रुद्राक्ष पहनते हैं तो ये क्या करता है, ये हार्ट के आपके जो सेल है उसमें जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस में जो चेंजेस आ गए हैं, गड़बड़ी पैदा हो गई है, उसको एक झटका देता है, रिवर्स चार्ज देता है, ये सेंस करके उसको। रिवर्स चार्ज कैसे दे पाता है कि रुद्राक्ष में एक खासियत ये है कि
कि इसमें है डायनामिक पोलैरिटी। डायनामिक पोलैरिटी क्या होता है, जैसे आपके उत्तर ध्रुव नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो होते हैं, ये फिक्स होते हैं सभी के लिए। रुद्राक्ष में एक खासियत होती है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल बन सकता है, साउथ पोल नॉर्थ पोल बन सकता है, जब चाहे जरूरत के मुताबिक। मतलब ये डायनामिक है, पोलैरिटी जो है डायनामिक है, परिवर्तनशील है, परिवर्तन हो सकता है, ये महिमा है रुद्राक्ष की। तो ये जब सेल में ये डिस्टर्बेंस को महसूस करता है रुद्राक्ष, तो एक रिवर्स चार्ज देता है, झटका देता है उसको, हल्के वोल्टेज में रिवर्स चार्ज देता है, उसको ठीक कर लेता है। अब जाते हैं बहुत सारे पागल जैसे हो जाते हैं, तो उनको पागल खाने में उनको इलेक्ट्रिकल झटका दिया जाता है, ठीक हो जाते हैं। वैसे रुद्राक्ष आपको इलेक्ट्रिकल झटका देता है, लेकिन इतना कम मात्रा में होता है कि आप उसको महसूस नहीं कर सकते हैं, उतना ही जरूरी है शरीर के लिए, शरीर से ज़्यादा सह भी नहीं पाएगा, है ना। इस प्रकार रुद्राक्ष काम करता है कि रुद्राक्ष टच करता है सेल के मेम्ब्रेन में, ये डायनेमिक पोलैरिटी के रुद्राक्ष में है, तो जो रिवर्स चार्ज देता है और जो आपके सेल के अंदर में जो इलेक्ट्रिकल प्रोसेस का गड़बड़ी होती है उसको ठीक कर लेता है, इस प्रकार रुद्राक्ष काम करता है। इस प्रकार विवेचक आपने कभी सुना नहीं होगा, किसने कोई शास्त्रों में लिखी हुई नहीं है चीज़ें, ये एक रिसर्च के द्वारा जो मैंने समझा है जाना है उसको आपको शेयर कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें जो बता रहा हूँ आपको मैं, एक अभूतपूर्व है, इस प्रकार से इसको समझाया नहीं होगा, आपने सुना भी नहीं होगा। तो आपसे ये विनती करता हूँ कि इसको लोगों को बताएं कि रुद्राक्ष साइंटिफिक होता है, ये इसके कार्य करने की शैली ऐसी होती है, ये काम करता है। तो अपने मित्रों दोस्तों सबको इसको शेयर कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा, और सबसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आप इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मुहिम जो चल रही है कि रुद्राक्ष जेम्सन के ऊपर में जो भ्रांतियाँ हैं, जो गलत धारणाएँ हैं, जो उसको अंधविश्वास समझते हैं, दकियानुसी मानते हैं, ऐसे लोगों की आंखें खोलने के लिए है, ये बताने के लिए है कि हमारी जो परंपरा है, हमारा जो ज्ञान है, ऋषि मुनियों द्वारा दी हुई जो ज्ञान है, ये इसका बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि लोग के बारे में जाने। अगले वीडियो में और किसी नया टॉपिक लेके, जो कि सब्सक्राइबर द्वारा भेजे हुए कोई सवाल होगा, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए विदा लेता हूँ, नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।